Were you expecting this? सुबह फुल ड्रामा किया था बीमार होने का. जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम. आप सोच रहे होंगे कि इतनी तैयार होकर मैं कहाँ जा रही हूँ. आज मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है. 27 जून को हमारी शादी हुई थी फैसल की और मेरी, और हमारी शादी को अब माशाल्लाह 10 साल हो गए. और हर साल मैं कोई ना कोई ऐसी हरकत करती हूँ जिससे फैसल अच्छा खासा महसूस हो जाता है, और एट द सेम टाइम मैं भी बड़ी अम्यूज़ हो जाती हूँ. आपको पता है मैं ज़रा मैड सी, ड्रामेटिक सी, हाइपर सी हूँ. तो फिर अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से अपनी वेडिंग एनिवर्सरी को गुजारना चाहिए. इस वक्त मैं फैसल के ऑफिस जा रही हूँ. ये पीछे आप देख रहे हैं कि बलून वगैरह भी हैं, और हैप्पी एनिवर्सरी का भी हमने वो बुला लिया है, वो भी लगाना है. 10 ईयर्स का 10 भी कर लिया है, और हमने अरेंज किया एक बगी. उस बगी में बैठ के हम चक्कर लगाएंगे. और आप सोच रहे हैं कि 27 जून को कितनी गर्मी होती है, और इस कड़कती गर्मी में मैं फैसल को टॉर्चर करूँगी. मुझे तो बड़ा डर लग रहा था बारिश होगी तो क्या होगा, लेकिन फॉर्चुनेटली बारिश नहीं हुई. सो हम बगी में बैठ के एक चक्कर लगाएंगे. हमने फूल की पत्तियाँ भी अरेंज की हुई हैं, फूलों के हार भी अरेंज किए हुए हैं. बहुत से लोग मुझसे पूछ भी रहे थे कि इस साल आपने कुछ नहीं करना, क्योंकि मैंने जब पोस्ट लगाई ना अभी कुछ देर पहले उसकी हैप्पी एनिवर्सरी की, तो बहुत से लोगों ने नीचे लिखा पिछली बार तो आपने बड़ा ढोल ढमक्का किया था. बाय द वे, पिछली बार तो वीडियो बस बन गई थी, वो कुछ प्लान्ड नहीं था. वो तो मैं हर साल कोई ना कोई फनी हरकत करती हूँ, कभी कहीं पर पहुँच जाती हूँ एम्बैरेस करने, कभी ससुराल में, कभी यहाँ, कभी वहाँ. तो फिर मुझे ख्याल आया कि दफ्तर वाला मसला ठीक है, वहाँ पर फैसल अच्छा खासा मैनेज होता है. सो 10th वेडिंग एनिवर्सरी है, हमें प्लीज़ दुआ में याद रखिएगा. अब आपके साथ शेयर करती हूँ कि होने क्या वाला है. ये एक प्रीएम्प्टिव मैंने वीडियो इसलिए बना ली है क्योंकि उस वक्त आपको पता है ऑन द स्पॉट आप ये चीज़ें प्लान्ड नहीं कर सकते, ये बस नेचुरली होती हैं. तो अल्लाह खैर करे, आई होप कि वो सरप्राइज भी हो, मूड अच्छा हो, वरना बड़ी बेइज्जती होगी. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. एंड बगी शगी सारी चीज़ें अभी आपको दिखाती हूँ, उसकी तैयारी भी. एंड देन और बाय द वे, मैं दुल्हन भी बन के तैयार हुई हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम भी लाल जोड़ा पहना था. और बाय द वे, हमने मैंने अपनी शादी पे तो जो बारात थी उस पर डिफरेंट कलर पहने थे कपड़ों के, लेकिन अपनी जो एक्चुअल जो बारात थी उस पर पिंक से कपड़े पहने थे. लेकिन जो मेरे निकाह था, निकाह पे लाल जोड़ा था सर पे दुपट्टे के साथ. तो मैंने कहा उसी थीम को आगे लेके चलते हैं. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. खड़ा हुआ मैंने कहा जी टाइम क्या बात है. हमारे दो वायलिनिस्ट भाई भी हमारी इस पूरी प्रोसेस का हिस्सा है. हमने सोचा कि कुछ पिछली बार ढोल था तो इस बार हम वायलिन रखेंगे. तो फूल की पत्तियाँ, वायलिन, और वो देखें वहाँ पे हमारी बग्घी खड़ी हुई है. अब हम उसको सेट करेंगे. और पहुंच गए हैं, वायलिंस भी हैं. अब हम फैसल को बुलाते हैं. I did. आइए बैठिए, आपको ड्राइव पे लेके जाऊँ.
आप यूजुअली ड्राइव में लेके जाते हैं, आज मैं आपको ड्राइव पे लेके जाऊंगा। टॉप पे फॉर माय शर्ट इज माय साफ। से बाय बाय। बाय बाय। बहुत खूबसूरत फॉर्म। थैंक यू।